सो जय हिंद एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया जिसको भगलर काउंसिलिंग कब से स्टार्ट होगा उसके बारे में। आप लोग ऑलरेडी अगर वो वीडियो नहीं देखे तो चैनल को होमपेज में जाकर देखिए। और इस वीडियो में बात करेंगे कि दार्जिलिंग कालिम्पोंग पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए आपको नोटिफिकेशन आया, ऑनलाइन ऑनलाइन में फॉर्म को कैसे फिलअप करना है और सारा कुछ डिटेल्स क्या है इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ऑफिशियल वेबसाइट के आने के बाद ऑल नोटिस पे आपके जाना है, नेक्स्ट पेज आ जाएगा। तो देख सकते हैं 2 अगस्त 2022 को नोटिफिकेशन आया है यहाँ पे। तो पहले देख लेते हैं कालिम्पोंग एडमिशन के लिए क्या प्रोसीडियर है, फॉर्म फिलअप कब से कब तक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिंक है, देखिए लिंक फॉर एडमिशन फॉर्म फॉर एडमिशन एट कालिम्पोंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक। सिंपली यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक PDF डाउनलोड हो जाएगा, उसमें सारे कुछ डिटेल्स आपको जो है दिख जाएगा कब से क्या डाउनलोड है, ये आपका देख सकते हैं। तो PDF पहले डाउनलोड करना है, वहाँ पे एक लिंक आपको मिल जाएगा जहाँ से आप लोग लिंक में क्लिक करने के बाद आप लोग सीधा पहुँच जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट में, जहाँ से आपको फॉर्म को फिलअप करके आपको जो है फॉर्म को फिलअप करना है जहाँ से आपका एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें यहाँ पे लिंक दिया है और लिंक फॉर एडमिशन टू सेकेंड AR लेटर एंट्री के जो JEXPO के लिए करना चाहते हैं कालिम्पोंग पॉलिटेक्निक में वो इस लिंक पर क्लिक कीजिए, और जो भोकलेट में अप्लाई करना चाहते हैं वो दूसरा लिंक पर क्लिक कीजिए। लेकिन लिंक आप कहाँ से मिलेगा, आपको PDF को डाउनलोड करना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद इस लिंक को आपको मिल जाएगा पॉलिटेक्निक एडमिशन कालिम्पोंग गवर्नमेंट के लिए। और दूसरा जो है आपको दार्जिलिंग पॉलिटेक्निक में बोलूँगा उसका भी सेम प्रोसीडियर होगा, ऐसे PDF डाउनलोड रहेगा करना होगा, उसमें आपका दोनों लिंक रहेगा। चलिए मैंने फिर से बैक आया, आगे भी लिंक दूसरा लिंक देख लेते हैं यहाँ पे कि दार्जिलिंग पॉलिटेक्निक में लेके खासकर यहाँ पे तो खाली JEXPO कैंडिडेट के लिए एडमिशन होता था, पिछले साल सेम हुआ था JEXPO के लिए। अभी देखते हैं इस साल भोकलेट का है कि नहीं। तो चले वो जो ओपन हो गया और इसमें जो लिंक है यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें देखते हैं क्या है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर इसमें भी सेम है फ्रेंड्स, इस साल इसमें भी भोकलेट का भी है। तो यहाँ पे देख लीजिए भोकलेट का भी लिंक है और JEXPO के शायद मुझे याद है पॉलिटेक्निक में एडमिशन कालिम्पोंग या दार्जिलिंग दोनों में से किसी एक में JEXPO का या भोकलेट का नहीं था, खाली JEXPO का था, लेकिन ठीक से याद नहीं है कि कौन सा में भोकलेट या JEXPO का नहीं था। ठीक है, तो इसमें भी दो लिंक है, फर्स्ट ईयर यानी कि JEXPO में अप्लाई करने के लिए इस वाले लिंक और सेकेंड ईयर यानी कि भोकलेट में अप्लाई करने के लिए ये वाला लिंक में क्लिक कीजिएगा। ठीक है, और सारा कुछ डिटेल्स आपको आपको और भी मिल जाएगा यहाँ पे। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे और भी डिटेल्स है कि कब से कब तक आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर है सेकेंड ईयर दार्जिलिंग पॉलिटेक्निक जो कि कार्शियंग में है, नाम है दार्जिलिंग लेकिन पॉलिटेक्निक कॉलेज का लोकेशन है कार्शियंग, इसमें अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। तो अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन जो स्टार्ट हो गया है वो आप लोग देख सकते हैं, ऑनलाइन डेट है 3, मतलब स्टार्ट होगा अभी नहीं हुआ, आज है 2 अगस्त, 3 अगस्त 2022 से लेकर 24 अगस्त 2022 के बीच में आपको ऑनलाइन में फॉर्म को फिलअप करना है। और उसके साथ डिस्प्ले होगा फर्स्ट राउंड मेरिट लिस्ट अलॉटमेंट लेटर, वो होगा 2 सितंबर 2022 को दार्जिलिंग पॉलिटेक्निक यानी कि कार्शियंग में वेबसाइट में होगा शाम के 4 बजे। और उसके बाद रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट काउंसिलिंग का, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है फर्स्ट काउंसिलिंग में, जिसका नाम आएगा अलॉटमेंट होगा वो कर सकते हैं 5 सितंबर 2022 से लेकर 7 सितंबर 2022 के बीच में सुबह 10 से लेकर शाम के 4 बजे दार्जिलिंग पॉलिटेक्निक कार्शियंग में है। और फिर सेकेंड राउंड सिटी अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिश होगा वो होगा 10 सितंबर 2022 को, और उसके साथ आगे का जो भी रिपोर्टिंग टाइम है वो आपको बाद में बोल दिया जाएगा। ठीक है, और उसके लिए देखिए आपका शेड्यूल जो काउंसिलिंग यानी कि स्पॉट काउंसिलिंग, ज़्यादातर 2 काउंसिलिंग होता है, उसके बाद स्पॉट काउंसिलिंग डायरेक्ट होता है, उसका भी आगे नोटिफिकेशन में आपको बोल दिया जाएगा अगर सीट होता है तो होगा। ठीक है यार, एप्लीकेशन फी देखिए यहाँ पे 500 रुपीज़ रखा गया है और एडमिशन फी अप्रोमैक्स 1300 रुपया यानी कि 1300 रुपीज़ आपको पेमेंट करना है। तो ठीक है, तो ये सारा कुछ डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है। तो चलिए आपको तो मालूम चल गया दार्जिलिंग पॉलिटेक्निक के बारे में बेसिक सा, तो कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल्स में आगे बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स पहले बात कर लेते हैं कालिम्पोंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक एडमिशन 2022-23 सेशन में डिटेल्स के बारे में यानी कि क्वालिफिकेशन लेकर सारा कुछ, कौन सा यहाँ पे ट्रेड है। तो तीनों ट्रेड है कालिम्पोंग में, एक तो है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल एंड डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन में अप्लाई कर सकते हैं JEXPO भोकलेट दोनों कैंडिडेट। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना करके सीट है, फर्स्ट ईयर में सीट है जो तीनों का 60 60 60 और सेकेंड ईयर में सीट देख सकते हैं 6 6 6। ठीक है, बहुत ही कम है। हाँ, तो ये रहा पहला। दूसरा है आपका फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए आपका क्या क्वालिफिकेशन और क्या डिटेल्स चाहिए, आपका क्लास 10 में मिनिमम 35% मार्क्स होना चाहिए जो कि फिजिक्स और उसके साथ इंग्लिश फिजिकल साइंस ये सब में मिला के 35% एंड मैथमेटिक्स मिला के 35% ओवरऑल मार्क्स होने पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और उसके साथ लेटर एंट्री भोकलेट के लिए
आपका सेम है, ITI पास आउट होना चाहिए तब जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और भी अदर्स क्वालिफिकेशन है वो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। कैंडिडेट मास्ट मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको बिलो कौन सा फॉर्मेट में चाहिए वो भी आपको लेके जाना है, ठीक है। और रेसिडेंशियल क्राइटेरिया दिखे सर, सारा कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, ओरिजिनल में जितना भी पॉलिटेक्निक में फिलहाल एडमिशन होने जा रहा है उसमें सारा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ओरिजिनल का बाहर का स्टेट का भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक कालिम्पोर और दार्जिलिंग में जो एडमिशन होता है GTA के अंदर से होता है, मैंने पिछले साल भी बोला था, तो ये थोड़ा अलग क्राइटेरिया है। दिखे कैंडिडेट मस्ट बी ए रेसिडेंट ऑफ आइदर दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट और कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट, यानी कि दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट या फिर कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट का रेसिडेंट आप होना चाहिए। द रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड बाई द अथॉरिटी और अथॉरिटी नॉट बिलो द रैंक BDO HDO, यानी कि BDO HDO लेवल का आपका जो है रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपको लेके जाना, प्रूफ करना होगा कि आप लोग दार्जिलिंग या फिर कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट से ही है, तब जाके अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम एज आपका 15 साल, उसके नीचे नहीं होगा, मैक्सिमम एज का कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते देयर इज़ नो एज लिमिट, सेकेंड ईयर लेटर एंट्री कैंडिडेट, यानी कि सेकेंड ईयर के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, फर्स्ट ईयर के लिए कोई फर्स्ट ईयर के लिए यानी कि जेक्सपो के लिए भी कोई नहीं होता फिलहाल, यहाँ पे तो साफ साफ मेंशन नहीं है। तो ऐसा करके जो है आपका सिलेक्शन होगा और मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका जो है सिलेक्शन होगा। यहाँ पे देख लेते हैं कैसे सिलेक्शन होगा। तो इस साल तो ज़्यादातर एग्ज़ाम ले के सिलेक्शन हुआ था, लेकिन इस साल यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा मतलब दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में, इसमें आपका सिलेक्शन होगा डायरेक्ट आपका मेरिट के हिसाब से, आपका मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, यहाँ पर कोई एंट्रेंस नहीं होगा। लेकिन वेस्ट बंगाल में जो ओवरऑल जेक्सपो बॉकलेट का पॉलिटेक्निक में एडमिशन हो रहा है इस साल, तो एंट्रेंस हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो है कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा, देख सकते हैं आप लोग साफ साफ यहाँ पे भी, ठीक है। तो कालिम्पोंग में एडमिशन का भी डेट यहाँ पे सेम है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप का 3 अगस्त से लेकर 24 अगस्त के बीच में फॉर्म फिलअप करना है। फिर आपका यहाँ पे डिस्प्ले फर्स्ट फेस अलॉटमेंट लेटर जो होगा वो 2 सितंबर 2022 को पब्लिश होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 4 बजे वेबसाइट में, और फर्स्ट राउंड का जो काउंसलिंग जो भी कैंडिडेट का नाम आएगा वो एडमिशन हो सकते हैं 8 सितंबर 2022 से लेकर 9 सितंबर 2022 सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक आपको जो है रिपोर्टिंग काउंसलिंग है जो कि रिपोर्टिंग करना है। लेकिन रिपोर्टिंग फिलहाल यहाँ पे नहीं हुआ कि आपका ऑफलाइन हो गया ऑनलाइन, वो आगे चल कर आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो ये तो रहा कालिम्पोंग पॉलिटेक्निक का एडमिशन के बारे में डिटेल्स, तो अभी बात कर लेते हैं दार्जिलिंग पॉलिटेक्निक एडमिशन के लिए, और वीडियो थोड़ा लंबा होगा इसलिए आपको ध्यान से थोड़ा देख लीजिएगा। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं दार्जिलिंग पॉलिटेक्निक एडमिशन 2022-23 जो कि कार्शियंग में कॉलेज है, कार्शियंग में मैं बार बार बोल रहा हूँ कॉलेज है कार्शियंग में, लेकिन नाम है दार्जिलिंग पॉलिटेक्निक। यहाँ पे तीनों टेड है, एक तो है आपका फुल टाइम डिप्लोमा इन सिविल और उसके साथ इलेक्ट्रिकल और उसके साथ है कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर सीट है जेक्सपो यानी फर्स्ट ईयर में अगर एडमिशन हो तो 60 60 60 तीनों का सेम है। सेकेंड ईयर यानी कि लैटरल एंट्री बॉकलेट कैंडिडेट के 6 6 6 करके सीट है। तो उसके बाद देखिए क्वालिफिकेशन यहाँ पे भी सेम है, मिनिमम 35% फिजिक्स इंग्लिश फिजिक्स और इसके साथ मैथमेटिक्स में मिनिमम 35% होने पर अप्लाई कर सकते हैं। और आपका सेकेंड ईयर में अप्लाई करने के लिए ITI होना चाहिए रिलेटेड टेड में या फिर अदर्स क्वालिफिकेशन यहाँ पे और भी लिखा है साइंस के स्ट्रीम से तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और मेडिकल सर्टिफिकेट भी यहाँ पे भी चाहिए, यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या है सारा कुछ डिटेल्स। और देख सकते हैं 1/7/2007 के हिसाब से 15 मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ इतना होना चाहिए, इससे आगे के अगर इसके बाद का है मान लीजिए 1/8/2007 है तो अप्लाई नहीं कर सकते, लास्ट इतना है। तो आप पर इसका कोई लिमिट नहीं, मिनिमम 15 साल होना चाहिए, यहाँ पे भी सेम है। और यहाँ पे देख सकते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन आपका क्या है, मोड ऑफ सिलेक्शन आपका मेरिट बेसिस होगा, यानी कि यहाँ पे कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा, यानी कि GTA के अंडर में जो पॉलिटेक्निक जो आता है और ITI भी आता है इसमें कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा, ये थोड़ा अलग से ये लोगों का जो है डिविजन आता है, ठीक है। तो ये आपको समझ लेना है। और जो अप्लाई कर सकते हो इसमें भी सेम आपका रेसिडेंट होना चाहिए दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट या फिर कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट का, यहाँ पे मेंशन है कहाँ का होने पर आप लोग अप्लाई कर सकते। कैंडिडेट देयर हिल सब डिविजन ऑफ दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट मिरिक कार्शियंग दार्जिलिंग सदर एंड कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट अंडर GTA के अंडर से है, तो आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं दोस्त। तो सारा कैंडिडेट यहाँ पे जो है अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप आपको समझ रहा होगा। और इसमें नीचे जाने पे आपको जो है मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह कहाँ से मिल जाएगा सारा कुछ डिटेल्स यहाँ पे आपको दिख जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट कहाँ से लेना है, ठीक है, सारा कुछ यहाँ पे डिटेल्स आपको दिख जाएगा। ग्राम पंचायत से अगर लेना चाहते हैं या फिर म्यूनिसिपल तो नहीं अलाउड होगा, ओनली BDO या HDO लेवल का आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप लोग ऑनलाइन से अप्लाई करके आपको मिल सकता है, ठीक है।
तो ये डिटेल सारा सारा उम्मीद करता हूँ आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, और कोई इन करे तो कमेंट कीजिए। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। तो बीच बीच में थोड़ा मुझे बहुत सारा कुछ मेरा गलती भी हो सकता है थोड़ा बातचीत करने में, तो आप लोग थोड़ा उसको देख लीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक देखते रहे हमारी टीचर गाइड। जय हिंद फ्रेंड्स।